आयोजित किया गया है गोरेगांव में, गणेश ग्राउंड में, गोरेगांव वेस्ट में। इसमें हमारी 8 टीम खेल रही है, सब ब्राह्मण, शिमाली ब्राह्मण टीम है, सब ब्राह्मण टीम है। और इसमें हम आज लीग मैचेस है और कल सेमीफाइनल्स और फाइनल्स है। इस टूर्नामेंट का क्या मकसद है, आयोजन का जो मकसद है क्या उद्देश्य? बहुत सारे उद्देश्य है, युवा का एक करना और साथ में हमारे सब जितना भी है एंजॉयमेंट और सब मिलके, इट्स अ एक्टिविटी है, तो ये सालाना में एक बार करेंगे एक्टिविटी का, ये हमारा है उद्देश्य है इसको लेके। सी बात है, इस टूर्नामेंट के आयोजन का क्या उद्देश्य है और कुल कितने टीमें खेल रही हैं? टोटल 8 टीमें हैं हमारे समाज की, श्रीमाली ब्राह्मण की है, और ऑर्गेनाइजर है SUVM, हमारे वरुणाची क्रिकेट एसोसिएशन करके है। और मेन उद्देश्य है सामाजिक एकता के लिए, ताकि यंगस्टर आए, एक दूसरे से परिचित हो, तो उससे ये एकता मेन। क्या संदेश देना चाहते हैं मुंबई वासियों को इस टूर्नामेंट के जरिए अपने समाज को? हमारे समाज में कि भाई आप क्रिकेट खेलते रहे, फिजिकल भी फिट रहेंगे और मेंटली भी फिट रहेंगे, कोई भी गेम खेले, और ऐसे आयोजन होने चाहिए समाज में, और इस तरह की टीम वर्क हो तो ऐसे आयोजन हम हर साल होते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये साल में हमारे समाज में ये घोड़वार समाज के फर्स्ट टूर्नामेंट आयोजन कर रहे हैं SUVM वरुणाची मंडल के द्वारा। कितने सदस्य हैं आपकी जो संस्था है, उसको कितने सदस्य हैं और टूर्नामेंट के लिए कैसे तैयारियां करते हैं? तैयारी तो मोस्टली सब मिले हुए हैं, एक दूसरे से पहचान होती है, टीम वर्क होता है, 50-60 लोग की टीम है पूरी लगी हुई है, पूरे गांव की, मतलब पूरा समाज की होती है, गांव एक ही नहीं होता, पूरा गोड़वाल समाज होता है हमारा, उसमें एक टीम वर्क का मेन रहता है रोल। समाज की युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए सर, आप क्रिकेट खेलते रहो, क्रिकेट के अलावा और भी गेम्स खेलते रहो, एक्टिव रहो, समाज से जुड़ के रहो, यही है। थैंक यू। कहना चाहेंगे आज के मौके पर? मुझे तो यहाँ से देख के इतना अच्छा लग रहा है, माहौल इतना अच्छा है, और आज जो युवा, जो पैरवा गांव के जो SVM जो टीम है, इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन किया है, काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, और युवाओं में इतना जोश, मतलब देख के ही रम्य लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है ज़रा। और ऐसे शायद युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए मुझे लगता है ऐसे आयोजन होने चाहिए, और ये बहुत ही अच्छा आयोजन किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। हम लोग ने जब ये शुरुआत की थी तो हम सिर्फ 4-5 लोगों का एक छोटा सा समूह था, आज वो एक समूह 150 का समूह बन गया है। इससे हम व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़कर एक अच्छे समाज, सुदृढ़ समाज की नींव रखना चाहते हैं, और वही समाज देश के काम आ सकता है। क्या कहना चाहेंगे आज के टूर्नामेंट के बारे? आज के टूर्नामेंट में जो इतना अच्छा पैरवा वाले ने जो कार्यक्रम रखा गया है, और युवाओं के लिए, युवाओं को आगे आकर और समाज को, हमारे जो श्री मलिक गोड़वार समाज है उनको आगे लाकर एकता बना के, और हम समाज को एक ऐसा कार्य करेंगे कि हर युवा लड़के लोग मिलकर के समाज को आगे से आगे, श्री मलिक ब्राह्मण समाज, हम उनको आगे ला के अच्छा कुछ काम करेंगे, और लड़के जो है, जो युवा में अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें भी हम आगे लाकर आगे से आगे जितना हो सके उतना क्रीड़ा मंडल खेल रहे भारत के अंदर, उसमें भी हम उन पर इन्हीं टीम है, जो पूरी टीम को हम पूरे समाज में लाकर आगे से आगे उनको प्रोत्साहन करेंगे जी।